गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास एट की मैथ में एक्सरसाइज 1B के बारे में जिन हमने पढ़ा था डिवाइड था, जिसमें हमने 3 क्वेश्चंस करा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, ये कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -9 इफ वन ऑफ द नंबर इज -12 फाइंड द। कहने का तात्पर्य दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -9 है, यदि उसमें से एक परिमेय संख्या 12 है तो दूसरी परिमेय संख्या बताओ। इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहला चीज यहाँ पर हम देखेंगे, जो चीज दिया रहेगा उसको हम नोट कर देते हैं। तो लेट अस द अदर नंबर एक्स, माना दूसरी संख्या बराबर वन ऑफ द नंबर इक्वल टू दिया गया है -12, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इक्वल टू दिया है -9। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो यहाँ पे कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना है, -9 है। पहली परिमेय संख्या x है, दूसरी परिमेय संख्या -12 है। इसको हम क्या करेंगे, x इंटू -12 इक्वल टू -9। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, जब इस तरफ आएगा तो इसका डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा -9/-12, क्योंकि हमने बताया था कि -/-=+। तो यहाँ पे -- क्रॉस हो जाएगा, -- क्रॉस हो जाए तो इसको काटते हैं, 3 3 9, 3 4 12, तो x इक्वल टू हमारा आ गया 3/4। तो यहाँ पे लिखेंगे द अदर नंबर ए 3/4, ये हमारा आंसर हो गया। करेंगे हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया। एक बार फिर हम देखते हैं, कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 9 है, यदि उसमें पहली परिमेय संख्या -12 है तो दूसरी परिमेय संख्या निकालें। हम क्या करते हैं कि फाइंड और लेटेस्ट अदर नंबर इक्वल टू एक्स, वन ऑफ द नंबर इक्वल टू -12, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू -9। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार x इंटू -12 इक्वल टू -9, x इक्वल टू हो जाएगा -9/12, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3/4। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 3/4, दूसरी संख्या क्या होगी, 3/4। ऐसे ही एक क्वेश्चन आपका दिया है बाई क्वेश्चन नंबर 8, बाई व्हाट नंबर शुड -33/8 बी डिवाइडेड टू गेट -11/2। कह रहा है कि वह कौन सी संख्या है जिससे 33/8 में भाग देने पर -11/2 प्राप्त होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, लेट अस द अदर नंबर इक्वल टू एक्स, माना दूसरी संख्या बराबर एक्स। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में कह रहा है कि -33/8 डिविजिबल बाई एक्स इक्वल टू -11/2। तो यहाँ पे जब यहाँ पे एक्स है तो एक्स का भाई एक्स का जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो 1/x होता है। ये 1/x जो होता है यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल है, पहले नंबर वैसा का वैसा रहने देंगे, ये हो जाएगा -33/8 इंटू 1/x इक्वल टू -11/2। यहाँ पे हो जाएगा 33 8 बनजा 8x, तो ये हो जाएगा, ये माइनस से माइनस दोनों क्रॉस हो जाएंगे। अब 11 × 8x इक्वल टू 33 × 2, तो x इक्वल टू आ जाएगा 33 × 2/11 × 8। यहाँ पे 11 बन जाए 11, 11 की जा 33, 2 बन जा 2, 2 4 जा 8। अब यहाँ देखिए 3/4 आ गया, तो यहाँ पे अदर नंबर क्या हो जाएगा, अदर नंबर इक्वल टू 3/4,
ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। हम आशा करते हैं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा आपको। और ये सॉल्व करके क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में नोट करें, फिर विद्यालय खुलने पर होगा। धन्यवाद।